Hello beautiful, welcome or welcome back. I hope you're doing really really well and welcome back to yet another new launch review as well as requested video. आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द सेटाफिल का हाइड्रेटिंग फोमिंग क्रीम क्लेंजर. इट्स देयर न्यू लॉन्च. इससे पहले इनका मैंने क्रीम क्लेंजर भी यूज़ किया है बट मुझे अच्छा नहीं लगा था बिकॉज वो एक फिल्म सी छोड़ता है फेस पे, सो दैट्स परफेक्ट फॉर ड्राई स्किन. उसके बाद मैंने इनका ऑयली स्किन वाला वर्जन भी ट्राई किया था, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे अमेजिंग नहीं लगा बिकॉज वो भी बहुत ज़्यादा ऐसे रिच फोम नहीं बनाता था. सो व्हेन आई सॉ दिस एंड एवरीबॉडी वॉज लाइक कि हाँ ये फोमिंग क्लेंजर है, Give it a try. I was like, chalo, theek hai, let's give it a try. So that's why I got this one. So that's how this packaging looks like. It's a pump packaging. Thodi si different hai yahan pe. Theek hai, yahan pe lock system bhi de rakha hai. But again, not travel friendly because pump hai to aise ghumega to nikal hi jayega. Aise hai, lock hai, but still, agar aap travel kar rahe ho to leakage ke chances definitely hain. So not very travel friendly because iske pehle jo inki wo baaki packagings aati hain wo normal cap wali aati hain as far as I remember. Yahan pe aapko milta hai 236 ml of product at 890 rupees. Which is like fine because quantity काफ़ी ज़्यादा huge है. Now they say कि this one is for normal to dry and sensitive skin. So मैं dry skin तो बिल्कुल भी नहीं हूँ but हाँ I am sensitive skin. Now ये आप face and body दोनों पर use कर सकते हो. Fragrance free है, paraben free है, hypoallergenic है and कहते हैं कि it won't clog your pores. Now they say it's a rich cream to foam cleanser जो आपका जो pore clogging dirt है, oil है, makeup है उसको भी ये रिमूव करेगा. तो दे आर क्लेमिंग दिस टू बी अ मेकअप रिमूवर एज वेल, कि आप इसके साथ मेकअप भी रिमूव कर सकते हैं. वो भी हम लाइव डेमो में देखेंगे कि क्या ये मेकअप को रिमूव कर पाता है या नहीं. उसके अलावा ये कहते हैं कि कौन कौन से स्किन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं. वीक स्किन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं जिनका लाइक बैरियर वीक है, ड्राइनेस है, अगर इरिटेशन है या रफनेस है और टाइटनेस है आपके फेस पे, उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो. फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट की बात करें तो इसमें ऑन द टॉप डले हुए हैं माइल्ड सर्फेक्टेंट, ग्लिसरीन आपको मिल जाएगी, ग्लाइकॉल्स आपको इसमें मिल जाएंगे, बिटेन आपको इसमें मिल जाएगी, वेरी सूदिंग कामिंग. देन आपको इसमें फैटी अल्कोहल्स के अलावा नियासिनामाइड मिल रहा है विच इज़ वेरी सूदिंग, पैंथेनॉल है अगेन वेरी सूदिंग, एलोवेरा लीफ इसमें जूस पाउडर डला हुआ है अगेन वेरी सूदिंग. उसके अलावा इसमें आर्जिनिन डली हुई है, सम मोर ग्लाइकॉल्स आर देयर एंड देन फिनॉक्सीथेनोल लाइक प्रजर्वेटिव टेक्सचर एनहांसर्स के अंदर डले हुए हैं. दैट इज इट. सो इंग्रेडिएंट लिस्ट इसकी अच्छी है, आई लाइक द इंग्रेडिएंट लिस्ट. टेक्सचर की बात करें तो लाइक दे से इट्स अ क्रीम टू फोम, सो क्रीमी ही क्लेंजर है, ये अंदर से निकलता है, लोशन लाइक टेक्सचर है. सो जैसे आप इसको मसाज करते हो ऑन योर फेस तो ये फोम ठीक ठाक बनाता है, नॉट दैट सुपर रिच क्रीमी वाले जो टेक्सचर्स होते हैं उनके जैसा जो रिच फोम बनता है वैसा रिच फोम नहीं है बट ठीक ठाक फोम ये बनाता है. और जब आप इसको 1 to 2 minutes के बीच में मसाज करते हो तो काफ़ी अच्छी क्लीन फील आपको देता है, नॉट दैट स्क्वीकी क्लीन बट क्लीन फील. बट ड्रॉबैक एक ये है कि बहुत ज़्यादा ये पानी खाता है, लाइक आपको बार बार कम से कम आपको 10-15 बार स्प्लैश करना पड़ता है वाटर, तब जाके ये जो इसका सोपीनेस है वो निकलती है. बिकॉज मैंने जब जब इसको रात के लिए ट्राई किया है, हालांकि मैं अच्छे से इसको क्लीन करती थी, अच्छे से मैं अपना यू नो टावल से यू नो अच्छे से साफ करती थी, स्टिल द नेक्स्ट प्रोडक्ट आई पुट ऑन माई फेस इट फोम्स अप. So it's not at all for the night. Now let's see whether this work as a makeup remover or not. So I have full face makeup on. I have concealer, foundation, a liquid lipstick, a liner and waterproof mascara. So सबसे पहले मैंने base clean किया. Base ये ठीक ठाक clean कर रहा था जो मुझे feeling आ रही थी. Liquid lipstick भी इसने easily remove कर दी थी. And जो ये मेरा liner था ये waterproof नहीं था इसलिए ये बहुत easily निकल गया. Then I फोकस्ड ऑन द मस्कारा जो वाटरप्रूफ था बट उस पर मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं नज़र आया कि हो रहा है. देन आई वॉश इट ऑफ तो फेस मुझे थोड़ा सा ना हैवी हैवी फील हो रहा था, लाइक जैसे ऑयल रेजिड्यू अभी भी रह गया है, लाइक अच्छी वाली क्लीन फील नहीं आ रही थी. सो आई थॉट मैं एक वाइप लेके देन आई विल सी कि हाँ सच में जो बेस है वो क्लीन हुआ है कि नहीं हुआ है. सो मैंने यहाँ पे क्लीन किया अच्छे से, मस्कारा तो डेफिनेटली था, वो तो नहीं रिमूव कर पाया बट इवन जो बेस मेकअप था वो भी अच्छे से ये रिमूव नहीं कर पाया था. सो वन थिंग फॉर श्योर, इट्स डेफिनेटली नॉट फॉर मेकअप रिमूवल.
So it's a beautiful cleanser. I would prefer this one for the morning, not for the night. And if you are in budget, अगर आप ऐसा ही कुछ यू नो बैरियर सपोर्टिंग और सूदिंग कामिंग आपकी ड्राई सेंसिटिव इरिटेटेड स्किन के लिए कुछ ढूंढ रहे हो तो आप डॉक्टर शेद का सीका एंड सेरामाइड वाला क्लेंजर आता है, मैंने वो ट्राई किया था, वो बहुत अच्छा है, तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हो। क्वांटिटी वहाँ पे आई थिंक 125 ml की है एट 349 rupees, बट स्टिल आप अगर 349 प्लस 349 करो तब भी यू नो दो क्वांटिटीज अगर आप लेते हो तब भी इससे वो चीप ही पड़ेगी। एंड ऑफकोर्स हमारा ब्लॉगर कोड भी होता है जो ऑफकोर्स मैं यहाँ नहीं बोलूँगी अदरवाइज को लगेगा कि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है। ब्लॉगर कोड होता है डॉक्टर शेद का जो हमारा जो कोलैबोरेशन पे हमें मिलता है, तो वो आप लगा के एक्स्ट्रा अवेल कर सकते हो, या आप बाय वन गेट वन की उनकी ऑफर्स आती हैं आप तब उसको अवेल कर सकते हो। यहाँ तो आपको सिर्फ मैक्स टू मैक्स 10% का ऑफ मिलता है। बट अगेन आई एम सेइंग इफ यू कैन अफोर्ड दिस वन यू कैन गो फॉर दिस वन, बट इफ यू आर अंडर बजट देन डॉक्टर शेद सीका सेरामाइड इज ग्रेट फॉर यू। दैट इज इट गाइज, दैट्स ऑल अबाउट माई पर्सनल एक्सपीरियंस ऑन दिस न्यूली लॉन्च सेटाफिल क्रेम फॉर्म क्लेंजर। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो लिटिल बिट हेल्पफुल, थोड़ी सी भी हेल्प हुई है थम्स अप दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मिलती हूँ आपको मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।